घर में एक कंटेंडर है जो कि उल्लासनगर से बिलोंग करती हैं, वीणा जगताप। यस। उनका नेचर, उनकी जो स्ट्रेटजीज होती हैं, वो जैसा खेलती हैं, वो आपको क्या कैसा लगता है, उनका नेचर कैसा लगता है? शुरू में बहुत खटका था मुझे, पर फिर देन मैंने ये जो बात पहले आपको सबसे पहले कही कि हर किसी की अपनी एक इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, तो हमें उसे एक्सेप्ट करना चाहिए। तो मुझे शुरू में वीणा का गेम नहीं अच्छा लगा, द वे शी यूज टू बिहेव विद किशोरी ताई, या फिर रूपाली को कभी इग्नोर कर देती थी, बहुत कन्वीनियंटली अपने लोग बदल रही थी, बट ये उसका अपना गेम हो सकता है जी। हम कोई नहीं होते हैं कि वो हमारे मन जैसा वो खेले, उसकी अपनी मर्जी है, शी इज़ एन अडल्ट, वो जानती है किन चीज़ों के क्या रिपरकेशंस हो सकते हैं, या जो भी है वो अपने अच्छे बुरे का उसको समझ है, वो अपना अच्छा बुरा खुद देख सकती है कि उसको लव ट्रैक पे जाना चाहिए कि नहीं उस घर में, या किसी से ऐसी बात, वो उसकी अपनी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, शी इज़ नॉट अ स्मॉल किड। वो अगर किसी से ऐसे बात कर रही है तो ऑडियंस अगर उसको बैश करेगी तो वो भी उसकी अपनी अच्छा बिहेव करेगी और प्यार करेगी, तो वो भी उसका अपना क्रेडिट है। तो वो जो भी जैसा भी बिहेव करेगी और पब्लिक की उस पर जो भी रिएक्शन आएगी, ये उसकी अपनी कमाई है, अपनी अपना उसका गेम है, और प्यार या हेट या जो भी है, वो जो भी कमाएगी ऑडियंस से, दैट इज़ हर ओन क्रेडिट। तो शी इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर हर ओन गेम। तो ठीक है, फाइनल तक तो आ गई ना बंदी, दैट्स व्हाट मैटर्स। दैट वाज करेक्ट। वेरी नाइस, वेरी नाइस।